आज मैं फलकनाज बिल्डर्स की फलकनाज एक्सीलेंसी की लॉन्च की तकरीब में आया हूँ। और ये फलकनाज बिल्डर्स जो हैं, जिनके चेयरमैन फयाज इलियास हैं, जो आबाद के चेयरमैन भी हैं, और इसकी वजह से आज आबाद के बहुत सीनियर मेंबर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे सब बड़े नज़र आ रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कह सकता हूँ मैं कि इनके पहले जो चार प्रोजेक्ट इसके साथ ही लॉन्च हुए थे, वो तकरीबन सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। और उस प्रोजेक्ट के जो इन्होंने मुझे क्वालिटी दिखाई है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाहर के किसी अच्छी से अच्छी प्रोजेक्ट के मुकाबले में नन टू नंबर टू है। उसमें एक जो चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी है और मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, वो यह है कि इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स खुद रखा है। यानी हैंडओवर करने के बाद अपार्टमेंट ये सर्विस चार्जेस लेके बिल्डिंगों का मेंटेनेंस खुद करेंगे, जिससे उन बिल्डिंगों की शान और शौकत वैसी नज़र आएगी। नहीं तो अमूमन ये होता है कि जब आप उनसे मेंटेनेंस छोड़ देते हैं, उन्हीं पे लें जो ओनर्स होते हैं, मेंटेनेंस करते नहीं हैं और फिर बिल्डिंग की डिटोरिएट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और बाहर दुबई में, लंदन में भी यही होता है कि मेंटेनेंस चार्जेस लेके खुद जो मैनेजमेंट कंपनियां हैं और जो बिल्डर्स हैं, फलकनाज बिल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात और दुआएँ उनकी कामयाबी के लिए उनके साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट फलकनाज एक्सीलेंसी भी उतनी ही कामयाबी के साथ इंशाल्लाह जाएगा, जैसे इनके बाकी प्रोजेक्ट फलकनाज के जो हैं इसी इलाके में कामयाब गए हैं और ओवर सोल्ड हुए हैं, जो लोगों का एतमाद और एतमाद का मज़हर है।